अस्सलाम वालेकुम आई डी फैमिली, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बनेंगे नूडल्स पकोड़े, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और रमज़ान में आप इसे अफ्तारी में ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ हमें नूडल्स के दो पैकेट चाहिए। आप कनौर नूडल्स भी ले सकते हैं, आप मैगी नूडल्स भी ले सकते हैं, सही है जी, जिसको आपने बॉयल कर लेना है और इस तरह से छान लेना है। और यहाँ हमें चाहिए दो आलू, जो इस तरह से कद्दूकश होने चाहिए। एक अंडा जाएगा इसमें, और दो कनौर नूडल्स के जो मसाले होते हैं वो दोनों जाएंगे इसमें। 2 टेबलस्पून हमें धनिया चाहिए चॉप हुआ हुआ, और 2 हरी मिर्चों को इस तरह से बारीक काट लेना है, चॉप कर लेना है लाइक। और हमें चाहिए, अब हम तैयार कर लेंगे इसका बैटर। इसमें हमें सब कुछ मिक्स कर देना है। एक अंडा जाएगा, 2 आलू क्रश हुए हुए, धनिया और हरी मिर्चें, और स्पाइसेस डालेंगे और अजवाइन डालेंगे इस तरह से हाथ से मसल कर, सही है जी। और ब्लैक पेपर 1 टीस्पून जाएगा। इस तरह से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल आपका ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए गर्म कीजिएगा और फिर इसको हम फ्राई करेंगे, सही है। तो इस तरह से बैटर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और अब इस तरह से आप देख सकते हैं, आप स्पून की मदद से भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ हाथ यूज़ किए थे क्योंकि मुझे इजी हो रहा था कि मैं हाथ से डाल दूँ। तो इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स उठाकर आपने डाल देने हैं, और जब तक कि गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता आपने इसे फ्राई करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे तो ये गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ गोल्डन ब्राउन कलर आ गया था। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे थे मुझे। अब मैं यहाँ निकाल लूँगी ऑयल इसमें से, इसी छन्नी से आपने इसे निकालना है और फ्लेम ऑफ कर देनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं रेसिपी तैयार हो चुकी है। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, फिर आऊँगी कोई नई रेसिपी लेकर। अल्लाह हाफिज़।